गाइड कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ एक छोटा मोटा आइडिया मिल सके कि उन्हें करना क्या है एक्चुअली। और अपना यहाँ पे फाइनल आउटपुट आ चुका है और हमारे सर सबको बारी बारी फैला रहे हैं ताकि इसमें से फाइनल डिसीजन लिया जा सके कि किसका ड्राइंग बेटर है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, तो हो चुकी है सुबह, सुबह के 9 बज चुके हैं और हम नाश्ता भी कर चुके हैं क्योंकि आज हम समय पर उठ गए थे। तो वैसे आज हमें जाना है पहल के लिए बगल में बड़कला गांव में। वैसे आप लोग पहल तो जानते ही होंगे कि पहल क्या होता है, तो हम चलते हैं आपको दिखाते हैं, फिर वहाँ से लौटने के बाद आपको डिटेल में बताएंगे कि पहल क्या है और उसमें होता क्या है और ये इसे चलाता कौन है पहल को। फाइनली बाहर आ चुके हैं और आज जो हमारा गांव जाने का प्लान था वो बड़कला से जयसिंघा चेंज हो गया है, तो अब हम बड़कला नहीं जयसिंघा जाएंगे। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे। गाँव में आ चुके हैं और यहाँ आने के बाद हमारी टीम दो पार्ट डिवाइड हो गई है ताकि हम पूरे गांव में उनके बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर सकें और फिर उन्हें पढ़ा सकें। प्लीज़ गाइस चलते हैं बच्चों को। दोस्तों हम आ चुके थे जयसिंघा गांव में और अब बारी थी सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करने की। तो अब पूरी टीम अगर एक ही साथ जाती तो इसमें काफ़ी समय लगता, इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम अपनी टीम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक टीम जो है गांव के दूसरे साइड से जाएगी और दूसरी टीम गांव के दूसरे साइड से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। आंटी बच्चों को पढ़ने भेज दो। गांव के इन कठिन रास्तों पे भी हमारा पैर नहीं रुक रहा था क्योंकि हमारे अंदर एक जुनून था कि हमें अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाना है और हमें अपने इन गांव के बच्चों को शिक्षित करना है। तो हमें जाना था एक मंदिर पे जहां कि हम बच्चों को मिलके पढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं मंदिर पे। दोस्तों हमारी टीम फाइनली यहाँ पे पहुँच चुकी है और यहाँ पे बैठने का हमने इंतजाम भी कर दिया है। तो थोड़ी देर में बच्चे आते ही होंगे, फिर हम उनकी जो बेसिक नीड्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग उसे पूरी करेंगे। तो चलिए इंतजार करते हैं बच्चों को आने का, फिर बताते हैं आपको। तो हमारी दूसरी टीम भी आ चुकी थी, बच्चे भी कुछ आ चुके थे, तो अब इस समय है कंपटीशन को स्टार्ट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समय बीतता जा रहा था, बच्चे भी आते जा रहे थे और हमारा कंपटीशन और भी रोमांचक होता जा रहा था। हर बच्चा अपनी कला का उचित प्रदर्शन करना चाह रहा था। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो दोस्तों, तो हम आ
आ चुके हैं जयसिंघा गांव में, और आप लोग देख सकते हैं कितने सारे बच्चे हमसे पढ़ने के लिए एक्साइटेड हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, वैसे भी आज कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा इन्हें, आज इनके बीच ड्राइविंग कॉम्पिटिशन है, तो उसमें जो भी विनर होगा उन्हें फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज़ दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं बच्चों की क्रिएटिविटी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बच्चों का ड्राइविंग कम्पटिशन स्टार्ट हो चुका है, और वहाँ हमारे सीनियर जो हैं ये बच्चों को गाइड कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ एक छोटा मोटा आइडिया मिल सके कि उन्हें करना क्या है, एक्चुअली ड्राइविंग में होता क्या है। और बच्चे भी काफ़ी लगन से लगे हुए हैं। ये हमारे क्वांटम यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हर कोई नहीं दे सकता। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि छोटे से बच्चे ने कितना प्यारा सा फ्लैग बनाया है, और अभी इसकी कोशिश जारी है। दिखाते हैं आपको, एक और छोटा बच्चा है, कितना प्यार लगा है, और इसने भी एक अच्छा सा फ्लैग बनाया है। इसका नाम विराट है, विराट, और इनका नाम है विराट, विराट लाइट कह सकते हैं इसे, विराट लाइट है, बहुत अच्छा लड़का है, मतलब जयसिंघा का वन ऑफ द बेस्ट बॉय। तो दोस्तों, ये जब क्विज ख़त्म होगी तो हम अपने सीनियर जो आनंद भैया हैं इनसे पहल के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक आप लोग देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि बच्चे कितने लगन से लगे हुए हैं, हमारे सीनियर्स भी पूरी लगन से इनके गाइडेंस में लगे हुए हैं। तो अभी हम देखेंगे कौन फाइनल विनर होता है, और दिखाएंगे आपको, बताएंगे उसके बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो क्विज है ड्राइविंग कम्पटिशन का, ये पूरा होने वाला है, और ये हमारे सर जो है ये सबसे इनकी सीट सिलेक्ट कर रहे हैं। अब फाइनली जो है विनर्स को डिसाइड किया जाएगा। तो दिखाते हैं कि आज के इस कंपटीशन में कौन विनर होता है। तो दोस्तों, अब इंतजार खत्म हुआ, सारी सीट्स ली जा चुकी हैं और एक जगह रखी जा चुकी हैं, और अब समय है विनर्स को घोषित करने का। लेकिन सबसे कठिन काम अब शुरू होता है, क्योंकि हर बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो इसमें विनर घोषित करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल पैदा कर रहा था। तो काफ़ी देर बाद इसका रिजल्ट निकल के आता है, तो देखिए रिजल्ट क्या होता है। इंतजार हुआ खत्म, डिसीजंस लिए जा चुके हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं फाइनल डिसीजंस क्या है। आपको लगता है नहीं, कुछ उन्होंने खुद लाए थे स्केच वाले, और बाकी हमने भी दिए। तो तीसरे नंबर पे वो है ना, कौन है तीसरे नंबर पे? बिल्कुल सही, उसे उसने सही हाथ रेस किया है, तो वरुणा सैनी ने तीसरा रैंक होल्ड किया है। सेकंड प्राइज गोज टू वरुणा सैनी, थर्ड प्राइज पर किसको जाएगा? सेकेंड भी एक लड़की है, इतना मैं बता दिया। क्या नाम है आपका? बहुत ही सही, सेकेंड भी लड़की है। सेकेंड प्राइज गोज टू नीति, बहुत ही अच्छी ड्राइंग इसने बनाई है, आप आगे आ जाइए। कौन सी क्लास में भैया? ये वो देना उधर देखो, देखो ड्राइंग में नीति ड्राइंग है। और अब बारी है जो फर्स्ट रैंक होल्डर था आज का इस पेंटिंग कंपटीशन का, तो पहला रैंक किसको आया, क्या लग रहा है? एनी जजमेंट? कार्तिक। और कोई कार्तिक के अलावा सोच रहे हो? और बताओ कोई? तो पहला जो प्राइज है बहुत ही अच्छा इसने बनाया है, मतलब सबसे बेस्ट इसने बनाया है सभी में से, खुद से इसने हर चीज की बिल्कुल मींस कलर का बिल्कुल हल्का यूज किया, स्केच इसने बनाया है, और ये इसकी ड्रॉइंग है। और फर्स्ट जो विनर है उसका नाम है कार्तिक सैनी। फर्स्ट प्राइज गोज टू कार्तिक सैनी। तो इसे हम प्राइज में एक ग्लिटर पेन और स्क्रैप बुक दे रहे हैं। उनके लिए हमारे पास चॉकलेट्स हैं, आप लोगों भी ने अच्छा किया था, नहीं है लेकिन कल आपको पता है क्या है, तो कल हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारा क्या कॉलेज है, क्योंकि हमारा कॉलेज है, तो उसी के उपलक्ष्य पे हमने आज ये इवेंट कराया था, ठीक है? तो जो बच्चे नहीं भी जीत पाए वो भी बहुत अच्छे थे, उनके लिए भी शायद पहल के टीम मेंबर की तरफ से एक बार तालियां हो जाएंगे।
अच्छा किया और अगले संडे से रेगुलर रहेंगे हम, ठीक है? तो आओगे ना आप लोग, और बाकियों को भी कह देना जो आज नहीं आ पाए, तो चॉकलेट लेते हुए टाइम है नेशनल एंथम का, और नेशनल एंथम के बाद इन्हें सबको चॉकलेट दी जाएगी, उसके बाद फिर ये इवेंट ही खत्म होगा। अटेंशन, हेलो दोस्तों, तो जैसा आपने देखा कि आज हमारा पहल का जो फर्स्ट एपिसोड का इवेंट था वो ऑर्गेनाइज हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो हमारे सीनियर आनंद भैया हैं, ये हमें पहल के बारे में काफी से जानकारी देंगे। तो आइए मिलते हैं आनंद भैया से। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, और आज हम संडे को पहल हर रविवार की भांति इस रविवार को भी आते हैं, लेकिन काफ़ी अरसों बाद आए आज, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स और दिवाली के पर्व थे, इस वजह से तो हमें काफ़ी दिनों बाद हम एक पहल में आए। तो जो पहल एक संस्था है, मतलब संस्था एक क्लब है जो कि क्वांटम विश्वविद्यालय के अंदर आता है। तो ये पहल की शुरुआत हमारे ग्लोबल कैंपस के सीनियर किए थे, जब क्वांटम यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, जब क्वांटम का मान्यता दूसरे कॉलेज से था, तो उस समय जब हमारे ग्लोबल कैंपस के सीनियर थे तो उन्होंने इस चीज़ का शुरुआत किया था। तो उसी शुरुआत को लेकर हमारे सीनियर्स, इवन उनके सीनियर्स जो अभी तक लेते आ रहे हैं, इस प्रथा को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हर काम हम 6 दिन तो कॉलेज में अपना देते हैं पढ़ाई को, लेकिन 7वां दिन हम अपने समाज के लिए देना चाहते हैं। हम अपने जो गरीब बच्चे हैं, गांव के हैं, जो मतलब पढ़ाई को प्राप्त नहीं कर पाते हैं पैसों के वजह से या फिर कोई अन्य मतलब कारणों के वजह से, तो इस वजह से हम पहल में रविवार को मतलब गांवों में जाके बच्चों को शिक्षित करते हैं। तो आज हमारा बेसिक मोटिव ये था कि कल चिल्ड्रंस डे है, तो कल कॉलेज बिजी होने की वजह से हमारा छुट्टी नहीं है, तो आज ही हम उस चीज़ को सेलिब्रेट किए। तो आपने ऐसा देखा कि हम पेंटिंग कॉम्पिटिशन का उसमें एक पार्ट जुड़ा था, काफ़ी बच्चों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था उसमें। तो हमारे लिए डिसीजन लेना काफ़ी उस टाइम मुश्किल था कि भाई हम विनर बनाए तो किसे बनाए, लेकिन हमें विनर घोषित करना था। फिर भी प्राइस तो हम देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को, लेकिन हमने चौथा पोजीशन भी, कंपटीशन इतने टफ थी चूज़ करना कि हमने चौथा रैंक भी चूज़ करना पड़ा। और ये हमारे न्यू मेंबर्स हैं जो आगे पहल को ले जाऊँगा, मैं भी अब थर्ड ईयर में आ गया हूँ, फोर्थ ईयर आएगी तो फिर प्लेसमेंट्स की बारी होगी। तो ये सारे मतलब इमर्जिंग और क्या कहते हो इनोवेटिव मेंबर्स है पहल के, जो जैसिंगा ग्रुप के हैं, और ये सब आप पहल को आगे ले जाएंगे। आपके हाथ में आप लोग ये पहल है जैसिंगा की तरफ का, जो आपको आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करना है। मैं बहुत से बहुत 1 से 2 सेमेस्टर रहूँगा, क्योंकि फोर्थ ईयर आएगी, प्लेसमेंट्स की बारी आती है, तो आप लोग इस चीज़ को देखना कैसे आगे लेके चलना। कोई आइडियाज़ हो आपके पास आप आगे जाके बता सकते हो, कोई भी कोऑर्डिनेटर या फिर नहीं सिर्फ जैसिंगा का, पहले एक क्लब है, ये तो गांव हम जाते हैं वो अलग चीज़ है, फिर बाद में विभाजित होती है ना, लेकिन पूरा संस्था एक ही है, ठीक है? आपके पास कोई आइडिया है आप प्रेसिडेंट सर के पास जाओ, ये बोलो ये हमें करना चाहिए, ठीक है? आपको कोई मना नहीं करेगा, ठीक है? आप आइडिया बताओ तो सही, वो हम करेंगे। और कोशिश यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों हम इसमें जोड़ें और उन्हें हम शिक्षित करें, ताकि जो हमारा आने वाला भविष्य होगा वो उज्ज्वल हो। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि हमारे पहल का मोन मोटिव क्या है, आपको सही जानकारी मिली गई होगी। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं आपको उसके नेक्स्ट ब्लॉग में।